और अब ब्यावर से बड़ी खबर आपको बता दें, धुंध के आगोश में शहर हो चुका है। आपको बता दें बादलों में छिपे सूर्यदेव, सड़कों पर सन्नाटा, ठंड के चलते घरों में दुबके लोग, हाईवे पर वाहनों की लाइट ऑन कर इस समय वाहन गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओस के चलते सड़कें पूरी तरह से गीली हो गई है, तो अब सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। जहां का एक मौसम ने अपना मिजाज बदला, अब कहीं धुंध तो कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। उसी के चलते ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्यावर से, जहां पर अब ठंड ने दस्तक दे दी है और लोग अब अलाव का सहारा भी लेते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ओस पड़ रही है जिससे सड़कें गीली दिखाई दे रही है। अजमेर जिले में सर्दी का कहर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया रहा और सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिए, इससे लोगों की धूजनी छूटती रही। रविवार रात्रि को हुई तेज बारिश के बाद से अचानक सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सावधानी से वाहन चलाना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की, तो अब सर्दी के चलते उनकी संख्या में भी खासी कमी देखने को मिल रही है। और अब अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर आपको बता दें, मावट की धुंध, कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई है। धुंध में खोया सूर्य, छूटी कपकपी, कड़कड़ाती सर्दी में घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मावट की धुंध, कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। धुंध में सूर्य देव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। धुंध से सभी फसलों को फिलहाल तो फायदा है, चना, सरसों, कणक, गेहूं को, सभी को फायदा है। धुंध कुछ दिन चले तो अच्छी है, पानी की बचत होगी, फसलें खूब अच्छी से चलेगी। और अगर ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो उससे नुकसान होता है। कोहरा नहीं पड़े, धुंध आती रहे, दिन में धूप निकल जाए, 10 बजे तक धुंध आए, इससे फसलों को लाभ मिलेगा। फिलहाल मावठ तो अच्छी तरह से हुई नहीं, पर इससे धुंध आई है, कुछ उससे फायदा है। राजस्थान में अब मौसम का बदलाव दिखने लगा है, उसका असर भी दिखने लगा है। कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। पाली के बाली में भी मौसम परिवर्तन के साथ ही मावट गिरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो कहीं बादल छाए रहे। आपको बता दें बारिश से रबी की सरसों, गेहूं व चना आदि फसलों में फायदा हुआ है। बिजली बचत के साथ ही किसानों को फसल सिंचाई के लिए रतज गाके से निजात भी मिल गई है। अजमेर के पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया। कोहरे के आगोश में क्षेत्र के डूब जाने से दुपहिया चौपहिया वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। चालक कोहरे की चादर से निपटने के लिए वाहनों की लाइटें जलाने को मजबूर हो गए। वहीं तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर भी तेज हो गए और क्षेत्रवासी गर्म कपड़ों में दुबके दिखाई दिए। और अब सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे के आगोश में लिपटा ग्रामीण अंचल, क्षेत्र में इस सीजन का पहला कोहरा दिखाई दिया। शहर और आसपास के क्षेत्र में छाया कोहरा, कोहरे के साथ सर्दी भी बढ़ गई, धुंध से दृश्यता शून्य हो गई है। धुंध से दृश्यता शून्य हो गई है सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर सर्दी ने दस्तक दे दी। कोहरे के आगोश में ग्रामीण अंचल लिपटा दिखाई दिया, क्षेत्र में इस सीजन का पहला कोहरा और शहर और आसपास के क्षेत्र में कोहरा देखा जा रहा है।